साथियों, स्टडी बैटल में यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने विज्ञान से साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, उसी सीरीज में कुछ और क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक को हम इंग्लिश में माइका कहते हैं। ओके, आपने देखा होगा माइका की, अगर आपने आपके घर में जो आंगन होता है, आंगन के ऊपर कभी कभी एक प्लास्टिक के टाइप या फाइबर के टाइप की शीट रखी जाती है ना आंगन को ढकने के लिए, वो माइका की ही बनी होती है। ओके, सो अभ्रक का उपयोग देखिए किस चीज में किया जाता है। चीनी मिल उद्योगों में, कपड़ा उद्योग में, खाद बनाने में, विद्युत उपयोग में। सो विद्युत उपयोग, जो इलेक्ट्रिक आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो विद्युत के सामान होते हैं, उसमें अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, क्योंकि अभ्रक जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, इस वजह से गुड कंडक्टर है, इस वजह से उसको अभ्रक को जो है विद्युत उपयोग में, विद्युत उद्योग में काफी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, निम्न में से कौन सा कारक संसाधनों के विकास के अवसर प्रदान करता है? संसाधनों के विकास के अवसर निम्न में से कौन सा साधन प्रोवाइड कराता है? पूंजी, तकनीकी, परिवहन जिसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, टेक्नोलॉजी और ये सभी। सो आपका जो परिवहन है जिसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, सो वो संसाधनों के विकास के अवसर प्रदान करता है। ओके, क्योंकि अगर हमारे पास पूंजी होगी, सामान तो हम बना लेंगे, तकनीक होगी, सामान हम बना लेंगे, लेकिन उसको जिस जगह पे जरूरत है भेजने की, या जिस जगह पे जरूरत के हिसाब से जब हमको उसको किसी दूसरी जगह भेजना होगा, सो हमको परिवहन जिसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। सो इसलिए जो संसाधनों के विकास के सबसे ज्यादा अवसर जो प्रदान करता है वो है परिवहन। ओके, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाले प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, एक तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर जब लाइट पड़ती है तो वो पूर्ण परावर्तन हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से जितनी लाइट पड़ी उतनी सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई। और एक होता है आंशिक रूप से निर्गत होना, कि लाइट उस पर पड़ी तो लेकिन मतलब पार्शियल लाइट जो है वो मतलब अंदर चली गई, या जिसको हम कहते हैं कि रिफ्लेक्ट हो, रिफ्रैक्शन हो गया, और जो पार्टली लाइट है वो आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों आपकी प्रोसेस होती है। सो वे पदार्थ जिनमें पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है उसे हम अल्प पारदर्शक कहते हैं, या सेमी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ओके, और जिसमें जिन पदार्थ पर पड़ने वाला प्रकाश पूर्ण रूप से निर्गत हो जाए उसको हम पारदर्शक कहते हैं। किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है? देखिए, उपछाया का मतलब हुआ जब भी कोई हम कि जैसे जैसे कोई बॉडी है या कोई वस्तु है उस पर जब हम लाइट फोकस करते हैं, जब लाइट उस पर पड़ती है सो कहीं ना कहीं तो उसकी प्रच्छाया बनेगी। ओके, वो चाहे इमेज के थोड़ी दूर बने, इमेज के जो प्रतिबिंब है उसके थोड़ा, जो वस्तु है उसके थोड़ा बिल्कुल पास बने या काफी दूर बने, लेकिन उसकी प्रतिच्छाया तो बनेगी। लेकिन अगर किसी बिंदु प्रकाश स्रोत केवल एक पॉइंट सोर्स है, ओके, एक जो लाइट का सोर्स है वो केवल एक पॉइंट है, तो उसकी प्रच्छाया नहीं बनेगी। ओके, बाकी आपका सूर्य है, सभी प्रकाश स्रोत है, अल्प पारदर्शक है, ये आपके गलत है ऑप्शन। यहाँ पे किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है, तो वो आपका पॉइंट लाइट सोर्स है, बिंदु प्रकाश स्रोत है। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है, देखिए, जब पृथ्वी की उपछाया, पृथ्वी की जो उपछाया है उससे होकर जब चंद्रमा गुजरता है तो उस कंडीशन को होता है खंड चंद्र ग्रहण। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, एक होता है खंड चंद्र ग्रहण। ओके, सो ऑप्शन सा जो है यहां पे खंड चंद्र ग्रहण, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट भूगोल का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कोच कह रहा है कि शोक नदी किसे कहते हैं? शोक नदी जो है वो दामोदर नदी को कहते हैं। ओके, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, पहले कहा जाता था लेकिन अब चूंकि वहां पे डैम बन गया है, डैम बन जाने की वजह से दामोदर नदी को अब शोक नहीं कहा जाता है। ओके, पहले के टाइम पे कहा जाता था, अभी भी डैमेज होता है लेकिन उतना ज्यादा डैमेज नहीं होता है, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है या जो सर्पीलाकार जो पानी बह के आता है, सो वो बहुत ज्यादा
नुकसान पहुंचाता था तटीय भाग को, या तटीय भाग के सटे हुए जो आसपास के क्षेत्र थे उनमें काफी तबाही मचाता था। इस वजह से जो दामोदर नदी है उसको बंगाल का शोक कहा जाता था। ओके, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरेगी? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, मेघना है, यमुना है। देखिए यमुना ऑप्शन सही होगा, क्यों? यमुना जो है वो इलाहाबाद के आसपास, इलाहाबाद में ही वो संगम, इलाहाबाद में जो संगम स्थान है वहीं से आगे चलकर वो जाकर के गंगा में मिल जाती है। ओके, सो यमुना नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी तक नहीं ट्रेवल करती है, वो बीच में ही अपना रास्ता जो है वो गंगा नदी में मिल जाता है उसका रास्ता। ओके, सो इस वजह से सो गंगा नदी जो है, जो यमुना नदी है वो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं गिराती है। ओके, डायरेक्टली नहीं गिराती, इनडायरेक्टली तो वो गंगा नदी में मिल जाता है पानी, इस वजह से इनडायरेक्टली होगा, लेकिन डायरेक्टली जो है बंगाल की खाड़ी में यमुना का पानी नहीं गिरेगा। ओके, यही आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संसाधनों के विकास के अवसर प्रदान करता है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके, परिवहन है, अभी हमने बात करी। कौन से प्राकृतिक उपहार नहीं है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक उपहार नहीं है, शैल, मृदा, नदियां, मानव। सो ये सब शैले हैं जिनको हम चट्टाने कहते हैं, मृदा है, नदियां हैं, ये सब प्राकृतिक उपहार हैं। ओके, लेकिन इसमें जो मानव है वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सात जो है वो सही होगा। महासागरों में स्थल के डूबे हुए भाग को क्या कहा जाता है? महासागरों में जो स्थल पार्ट के डूबे हुए भाग होते हैं उनको महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि महासागर में जो जो स्थान डूब जाते हैं सो उन डूबे हुए भाग को हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। ओके, खान एवं खनिज अधिनियम कब पारित हुआ? माइन एंड मिनरल एक्ट कब पारित हुआ? सो वो जो माइन एंड मिनरल एक्ट है वो आपका 1948 में, 1948 में पास हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? जो कुकिंग गैस है जिसको हम लिक्विड पेट्रोलियम या एलपीजी गैस कहते हैं उसमें ब्यूटेन की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, और जो नेचुरल गैस होती है उसमें आपकी मेथेन की मात्रा ज्यादा होती है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप है वो आपका ग्रेफाइट है। ओके, सो कार्बन का दो रूप होते हैं। देखिए कार्बन के दो पर रूप कौन से हो गए? एक तो डायमंड हो गया और दूसरा आपका ग्रेफाइट हो गया। सो यहां आपसे कार्बन का क्रिस्टलाइट फॉर्म पूछ रहा है, जो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। रक्त में किस चीज की मात्रा अधिक हो जाने से मधुमेह रोग हो जाता है? ये भी आपके लिए बहुत आसान है। सो रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, एक लेवल से ज्यादा हो जाती है, तो उससे मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है ग्लूकोज की वजह से। मधुमेह किससे संबंधित होता है? सो ये चयापचय, जो मेटाबॉलिक एक्शन जो प्रोसेसेस हैं उससे रिलेटेड होता है, मेटाबॉलिज्म, चयापचय की जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड मधुमेह रोग है। स्त्रियों में मधुमेह रोग होने की संभावना किस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है? देखिए जब गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था में स्त्रियों में मधुमेह रोग होने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा होती है। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, पूछा भी गया है, कंपटीशन में भी पूछा गया है क्वेश्चन। मधुमेह रोग है, मधुमेह रोग जो है वो वंशानुक्रम है। ओके, ये हेरिडिटिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ओके, बाकी संक्रामक नहीं है, क्षय रोग नहीं है, असंक्रामक नहीं है, ये एक हेरिडिटी रोग है, हेरिडिटिक रोग है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपको बताना है। तो देखिए सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है, बुध या जिसको हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। ओके, फिर आपका वीनस है, ओके, वीनस जिसको हम शुक्र कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच है? जो क्षुद्र ग्रह जिनको हम एस्टेरॉयड कहते हैं, या एस्टेरॉयड जो जो है उसकी पट्टी है वो किन दो ग्रहों, किन किन ग्रहों के बीच की है? सो वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ओके, मार्स और जुपिटर इन दोनों के बीच में जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है वो मिलती है। ओके, सो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, कन्फ्यूजन होगा अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा।
क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो मंगल जिसको हम मार्स और बृहस्पति जिसको हम जुपिटर इन दोनों के बीच में होती है। ध्रुव तारा किस दिशा में पहचाना जाता है, किस दिशा की पहचान है, ये तो आपको पता होगा, पोल स्टार जिसको हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। हम तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं, क्यों, दूरी की वजह से, तारे इतनी दूरी पर होते हैं हमारी आंखों से, पृथ्वी से इतनी दूर होते हैं कि वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में उनका जो साइज है वो काफी बड़ा होता है। निम्नलिखित पदार्थों में किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, किस पदार्थ में निम्न में कार्बन नहीं पाया जाता है, कोयला में कार्बन होता है, चीनी में भी होता है, रोटी में भी होता है, लेकिन नमक जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसमें आपका कार्बन नहीं पाया जाता है। प्रकृति में कार्बन पाया जाता है, देखिए प्रकृति में कार्बन जो है वो मुक्त अवस्था में भी मिलता है और यौगिक दोनों की अवस्थाओं में मिलता है। देखिए कार्बन जो हम ग्रेफाइट है या हीरा है जिसको हम डायमंड कहते हैं, ये तो मुक्त अवस्था में कार्बन के प्रतिरूप है, लेकिन यौगिक जब, जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, वो यौगिक फॉर्म में है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी आपका यौगिक के फॉर्म में है। ओके, सो प्रकृति में कार्बन जो है वो मुक्त अवस्था एवं यौगिक अवस्था दोनों में पाया जाता है। ओके, सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो आपका सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई या प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई। सो जो चीतों की या बाघों की कम होती संख्या के मद्देनजर या उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, चूंकि बाघों की संख्या जब कम होने लगी, सो संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई, और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में स्टार्ट हुआ। ओके, गिरी राष्ट्रीय उद्यान या गिरी उद्यान किस जंतु के लिए संरक्षित है। सो गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका शेरों के लिए, जो एशियाई शेर हैं उनके लिए है, और ये है कहाँ पे, किस राज्य में है, सो ये आपका गुजरात राज्य में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये TET में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका शेरों के लिए फेमस, ये भी पूछा गया है, और किस राज्य में है, सो ये गुजरात राज्य में है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो आपका मोर है। ओके, देखिए और भारत का स्थलीय जीव कौन सा है या राष्ट्रीय पशु कौन है, वो आपका चीता है, टाइगर। ओके, और उसका जलीय जीव पूछा जाए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल, सो वो आपका डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। सो जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से भारत के 28.5% वन क्षेत्रफल पर वनों का आच्छादन है। ओके, वनों के अत्यधिक विनाश के कारण क्या पैदा होता है। देखिए वनों के अत्यधिक विनाश के कारण जो है भूमि कटाव की समस्या पैदा होती है, बाकी आपकी अकाल की समस्या, महामारी की समस्या, विनाशकारी बाढ़, ये सब नहीं है, लेकिन वनों का जब अत्यधिक कटाव होता है जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जब वन अत्यधिक काटे जाते हैं बिल्कुल चरम पे उनका कटाव होता है, तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस कहते हैं। सो इस प्रोसेस की वजह से भूमि कटाव की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि जब वन जब काटे नहीं जाते, अगर जहाँ पे वन ज्यादा होते हैं तो वन चूंकि जो पेड़ों की जड़ें हैं उनको मिट्टी मिट्टी जो है ना पेड़ों की जड़ों से बंधी रहती है। ओके, सो मिट्टी के बहने की या मिट्टी के भूमि के कटने की जो जो चांसेस हैं जो चांसेस हैं भूमि के कट जाने के वो कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पेड़ों को काटते रहते हैं तो पेड़ों की जड़ें जब बेकार होने लगती हैं, जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो उसकी पेड़ों की जड़ जो सड़ने लगती है, और सड़ने की वजह से वो धीरे धीरे बेकार होने लगती है मिट्टी, और जब उसका जो जुड़ाव था पेड़ से जब वो हट जाता है, कट जाता है, सो मिट्टी जो है आपस में मिट्टी जो है और सारे पदार्थों के साथ वो बहने लगती है, भूमि जिसको हम भूमि का कटना कहते हैं, भूमि कटाव की समस्या उत्पन्न होती है इससे। ओके, सो आपका जो वनों के अत्यधिक विनाश के कारण जो है वो भूमि कटाव की समस्या पैदा होती है। ओके, सो ये कुछ और क्वेश्चन हुए साइंस से रिलेटेड। देखिए साइंस में आपके साइंस के क्वेश्चन तो कम है इसमें, लेकिन आपका जो साइंस का सिलेबस है उसमें आप में प्रकृति का संरक्षण भी है, जो संक्रामक रोग हैं उसके बारे में भी है। ओके, ब्रह्मांड के बारे में भी है, सो इस वजह से आपको इसमें लगेगा कि इसमें तो हिस्ट्री के भी सॉरी भूगोल के भी क्वेश्चन हैं, इसमें आपके पर्यावरण से भी रिलेटेड हैं। ओके, सो ये आपको सिलेबस के ही बेसिस पे है, जो सिलेबस आपका दिया हुआ है, जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी के बेस पर ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किए।
ओके सो ये एक और वीडियो हमने डिस्कस किया, एक और वीडियो हम डिस्कस करेंगे जिसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे।